हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये मेरी न्यू वीडियो, मेरी वीडियो कैसे लगती है बिलो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जा सके न्यू वीडियोज़ को वॉच करने के लिए, देखने के लिए। और अगर नए लोग मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड और मैं अपना इंट्रो बता दूँ, आई एम पल्लवी न्यू लोगों से। एंड जो लोग मेरी वीडियो वॉच करते हैं उन्होंने उन्हें पता होगा, और मेरे चैनल पे मैं मेकअप वीडियो, फैशन से रिलेटेड ब्लॉग, सब कुछ मतलब लेके आती हूँ। तो ये हो गई चैनल की बातें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज मैं करने वाली हूँ, मैंने समर आ गए हैं, गर्मियाँ आ गई हैं बहुत ज़्यादा, और गर्मियों में क्या होता है कि आप कम्फर्ट के हिसाब से अपना ड्रेस, समर में आप कंफर्ट के हिसाब से ड्रेस पहनना पसंद करते हो, जिसमें आपको कंफर्ट हो वो पहनना पसंद करते हो। तो मैंने मीशो से और मुझे ना समर में थोड़ा सा चिकनकारी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है पहनना, और अच्छा लुक भी देता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मीशो से रिलेटेड, अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो कुछ मैं कुर्तियों का आपको रिव्यू दिखा दूं, और लास्ट में आपको बताऊंगी कि चिकनकारी कुर्ती को कैसे स्टाइल करें। सब कुछ मैंने सोचा ये सीरीज आएगी समर लुक, मतलब समर में क्या पहने क्या नहीं, समर फैशन पे। तो ये है मेरी फर्स्ट वीडियो सीरीज से, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कुर्ता है मैं आपको दिखा दूं, मैं सबका साइड में स्क्रीनशॉट करके लगाती जाऊंगी तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इस तरह से है, थ्रेड वर्क है, और मटेरियल की बात करूं तो ये सिफॉन है, पूरा फुल मतलब फुल स्लीव है, 3/4 नहीं है। और इस पर भी प्यारे छोटे छोटे से कॉटन उसे थ्रेड से, वाइट थ्रेड से फ्लावर बने हुए हैं, जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाता है। और सबसे अच्छी बात है इसका कलर लाइट पिंक है, बेबी पिंक है। एंड पीछे भी इन्होंने इसी तरह से, मतलब ये पूरी आप देख सकते हैं पूरे कुर्ते पे पीछे भी इस तरह की डिटेलिंग है फ्लावर वाली। तो पूरी डिटेलिंग है इस पे इस तरह से पीछे भी, और फ्रंट का जो है पूरा मतलब ऐसे नेक बहुत ही प्रिटी है, और इस पे छोटे छोटे बूटे बने हुए हैं छोटे छोटे से। एंड इसके साथ आपको इनर रिसीव हुई, मैं का प्रोडक्ट का अगर कोड होगा तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इसके साथ इन्होंने प्लाजो वाइट कलर का दिया हुआ था सेम थ्रेड के साथ, बट मैंने इसको 576 रुपये में लिया था, 576 रुपये में, आज से एक साल पहले, एक डेढ़ साल पहले। तो मैंने इसको बहुत कम वेयर भी करा हुआ है, तो इसको मैंने ख़रीदा हुआ था। तो मैंने सिर्फ कुर्ता देख के मंगाया हुआ था, पर उसमें बॉटम सेट एंड एक वाइट कलर का दुपट्टा सब कुछ रिसीव हुआ था। मैंने कई लोग मतलब एक दो यूट्यूबर ने मुझसे पूछा भी था कि ये आपको कितने का पड़ा, क्या इसका प्राइस वगैरह, मैंने बताया था। कोट का थोड़ा सा, क्योंकि मीशो पे ये होता है कि मतलब सेम प्रोडक्ट सेम कोट पे कभी कभी अवेलेबल नहीं होता, तो वो दूसरा कुछ भेज देते हैं, तो ये हुआ था। तो उन्हें लगा कि मैंने मतलब झूठ बोला है, बट ऐसा नहीं था, मुझे सेम कुर्ता उसी से रिसीव हुआ था। एंड सेकंड की बात करूं तो मैं इसका भी लगा दूंगी, लाइटिंग की बहुत इशू हो रही है, एक मिनट। हाँ, ये मैंने ब्लैक कलर का ये वाला कुर्ता पहना हुआ है, इसमें इनर रिसीव हुआ और ये कुर्ता रिसीव हुआ। ये है फैब्रिक जॉर्जेट, आप देख सकते हैं जॉर्जेट है, और इस पर भी इस तरह से रोज बने हुए हैं वाइट कलर के। मैं इसका भी पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी तो आप देख लेंगे। ये मेरे को 476 रुपये में पड़ा था, बहुत ही अच्छी डील है समर के अकॉर्डिंग। तो ये मेरा दूसरा है अपने वार्डरोब में, मतलब हर लड़की चाहती है पिंक और ब्लैक उसके उसमें रहे, तो जब पिंक और ब्लैक रहे तो वाइट क्यों ना रहे। तो मैंने एक वाइट कुर्ता चिकनकारी परचेज करा 476 में। इसका मैंने शॉर्ट वीडियो में आई थिंक अनबॉक्सिंग मैंने डाला हुआ है, और
अनबॉक्सिंग डाला हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी थी, मैं बता दूँ ये 476 में सिर्फ कुर्ता ए लाइन मिला, इसमें कुछ भी मतलब ऐसा रिसीव नहीं हुआ था। इसकी भी मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा, तो फुल कुर्ते का लुक पता चल जाएगा। और ये इस तरह से है, बहुत ही प्रिटी है। इसमें बाजू पे थ्रेड है, ये 3/4 आई थिंक, हाँ फुल स्लीव है और ए लाइन कुर्ता है। और इसके मटेरियल की बात करूँ तो ये मुझे कुछ जॉर्जेट और सिफोन का मिक्स लग रहा है। पीछे भी इन्होंने इस तरह से थ्रेड दिया हुआ है और ये है, तो आगे भी फ्रंट पे भी है। और एक दो कुर्ता मैं सोच रही हूँ मीशो से परचेज करूँगी इस गर्मियों के लिए। तो ये थर्ड मतलब मैंने लिया हुआ था। एंड जो जिससे मैं सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई, तो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड मैं इस कुर्ते के साथ हुई थी। और मुझे ना इस तरह के, तो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड इस कुर्ते के साथ हुई थी मैं, क्योंकि मुझे ना इसका कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और जो इसका कपड़ा मतलब आप समझ सकते हैं 400 लगा दो, और मतलब कलर की वजह से मैंने इसको लिया था। और कपड़ा एकदम से ऐसे मैं कह सकती हूँ ना, ये जॉर्जेट है ना ये सिफोन है, क्रेपे है, क्रेपे और पूरी पूरे कुर्ती पे इस तरह से है। और मैंने इसमें साइज पिक किया हुआ था एक्सल लार्ज, सॉरी लार्ज किया हुआ है। और ये इस तरह से है, तो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड इसी कुर्ते के साथ हुई मैं। कोई नहीं, इसको रख लिया है। आप इसको ना गर्मियों में नहीं पहन सकते, आप मैं बताऊँ आपको, अगर हल्की हल्की विंटर का टाइम आ रहा है तब आप इसको वेयर कर सकते हैं। तो ये थे मेरे कुछ चिकनकारी कुर्ते का, तो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड इसी कुर्ते के साथ हुई थी। और बाकी सब अच्छा है, अच्छा मिला मुझे ऑनलाइन परचेज करने पे। तो मैंने आपको बोला था कि मैं चिकनकारी कुर्ते की कैसे स्टाइल करें ये भी बताऊँगी एंड में, वीडियो के एंड में। तो चिकनकारी कुर्ती के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर आप चिकनकारी कुर्ता पहन रहे हैं उसके साथ, आप उसको जींस के साथ भी पहन सकते हैं, प्लाजो के साथ भी पहन सकते हैं। जींस के साथ थोड़ा सा ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा। और चिकनकारी कुर्ते के लिए जो मेन एक्सेसरीज है आपके पास होना ही होना चाहिए, तो इस तरह के ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो कि चिकनकारी को एकदम अच्छा वाला लुक देती है। अभी मैंने वेयर भी करा हुआ है। तो अगर आप चिकनकारी कुर्ते के लवर हैं तो आपको ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पे जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। इस तरह से आप रखिए बड़ी साइज के इयररिंग, या फिर आप रख सकते हैं चोकर इस तरह से। मैं कुछ पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी तो आप देख लीजिएगा। एंड उसके साथ जो सबसे ज़्यादा लिपस्टिक में अच्छा लगता है, आप डार्क कलर भी यूज कर सकते हैं, बट न्यूड से चिकनकारी कुर्ते के साथ बहुत ही प्रिटी लगता है। जुत्ती रखिए, जुत्ती भी बहुत अच्छी लगती है ब्राउन या टैन कलर में, या फिर आप कुछ वाइट में रख सकते हैं, क्योंकि चिकनकारी में हर जगह वाइट 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 का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये था बस कुछ एक्सेसरीज बतानी थी जो कि आप चिकनकारी कुर्ते के साथ स्टाइल कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मैं सारे प्रोडक्ट के कोड डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, जिसका मिलेगा मुझे सबका कर दूंगी, आप जाके परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।